आज हम 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन 4 बी में पूछे जाने वाले राइटिंग स्किल के बारे में जानेंगे, जो लेटर राइटिंग की जगह रिप्लेस हुआ है, क्योंकि आज के इस मॉडर्न युग में लेटर राइटिंग जैसी चीज़ें आउटडेटेड हो गई है। आज लेटर से भी फास्ट कम्युनिकेशन मीडिया आपके फिंगर टिप्स पर है। आप कुछ ही सेकंड्स में ही मैसेज एक साथ कई लोगों को भेज सकते हैं। इसी कारणवश 12th स्टैंडर्ड में लेटर राइटिंग की जगह इलेक्ट्रॉनिक मेल का अंतर्भाव किया है। तो आज हम जानेंगे फास्टेस्ट मीडिया कम्युनिकेशन ईमेल राइटिंग के बारे में। दोस्तों, व्हाट इज़ एन ईमेल, ये तो बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। सभी को पता है कि ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये इंटरनेट सर्विस से कई लोगों को एक साथ मैसेजेस भेजने वाली फास्टेस्ट मेल सर्विस है। लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि ये किसने इन्वेंट किया था। तो मैं आपको बता दूं, रे टॉमलिंसन, इन्होंने 1972 में इन्वेंट किया था। आपके ईमेल का फॉन्ट 10 टू 12 होना चाहिए, उसे रीडेबल माना जाता है। ईमेल हमेशा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है, वही प्रोफेशनल माना जाता है। ईमेल एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस रिलेटेड होता है। अगर ईमेल जॉब सर्चिंग के लिए है तो आपको आपके हिसाब से ईमेल को कस्टमाइज़ करना होगा, लेकिन उसमें आपको फॉलोइंग टेम्पलेट का यूज़ करना होगा। तो जानते हैं टेम्पलेट के बारे में। आपको सब्जेक्ट लाइन देनी ज़रूरी है। ईमेल में सब्जेक्ट लाइन देना भूलना नहीं है, आपको क्लियर कट सब्जेक्ट लिखना है, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर मार्केटिंग एसोसिएट, फॉर इंफॉर्मेशन इंटरव्यू क्वेश्चंस। इस तरह से आपको इसका सब्जेक्ट लिखना ज़रूरी है। सब्जेक्ट लाइन के बाद सैल्यूटेशन पर ध्यान देना है, जैसे कि डियर सर, डियर मैडम, इस तरह से आपको सैल्यूटेशन देना है। ईमेल का फर्स्ट पैराग्राफ किस तरह से होना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता है। आप ईमेल क्यों लिख रहे हैं, ये क्लियर और डायरेक्ट होना चाहिए। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जॉब का टाइटल मेंशन करें। अगर आपको इंटरव्यू के लिए ईमेल है तो कुछ ही लाइन में उसको भी मेंशन करें। मिडल पैराग्राफ में आपको डिस्क्राइब करना है कि आप एम्प्लॉयर को क्या ऑफ़र दे रहे हैं, कौन सी रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ की ज़रूरत है, ये सब मिडल पैराग्राफ में आपको लिखना है। दोस्तों, इसका फाइनल पैराग्राफ ये कंक्लूडिंग पैराग्राफ माना जाता है। इसमें वर्ड्स ऑफ थैंक्स को इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट में ईमेल के सिग्नेचर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये लेफ्ट साइड में होना ज़रूरी है। साथ ही में उसके पोस्ट को भी मेंशन करें। उसके नीचे ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है। कभी कभी सीसी नीचे भी दिया होता है और बीसीसी भी नीचे दिया होता है, और कभी कभी सब्जेक्ट के ऊपर सीसी और बीसीसी दिया जाता है। तो ये आपके स्क्रीन के अनुसार होता है। तो सीसी यानी कार्बन कॉपी 2 और बीसीसी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी 2, ये टूल्स यूज़ किए जाते हैं एक साथ कई लोगों को भेजने के लिए। सो दोस्तों, मान लीजिए आपको कार्बन कॉपी भेजना है, यानी आपने एक ईमेल भेजा है पुलिस स्टेशन को, उसी के साथ उसी को कलेक्टर ऑफिस को भी भेजना है, उसी के साथ उसको हर जगह भेजना है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफिस इससे भेजना है। तो आप सिंपली कार्बन कॉपी की जगह आप ईमेल एड्रेस लिख दीजिए, वो सारे लोगों को कार्बन कॉपी चली जाएगी। तो इसलिए कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी का यूज़ किया जाता है। ये हो गया ईमेल फॉर्मेट, लेकिन ये दिखता कैसे है, उसे किस तरह से पेपर में लिखना है, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हम ईमेल राइटिंग करने वाले हैं। तो चलिए हम प्रैक्टिकली ईमेल को पेपर में कैसे लिखेंगे ये जानते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर स्क्रीन पर जिस तरह से फॉर्मेट दिखता है, उसी तरह से फॉर्मेट तैयार करना है। इनबॉक्स, सेंट मेल, स्टार्ट, ड्राफ्ट, ये आपको लेफ्ट साइड में लिखना है। टू, यहाँ आपको जिसे ईमेल भेजना है उसका नेम या एड्रेस लिखना है। सीसी यानी कार्बन कॉपी, जिसे भेजना है उसका एड्रेस। दोस्तों, सब्जेक्ट यानी आपके ईमेल का सब्जेक्ट मैटर, ये आपको यहाँ पे लिखना है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता है। लोग सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और उसके बाद इम्पोर्टेंस के अनुसार बाकी का ईमेल पढ़ते हैं। उसके बाद जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है, वो सब आपको पेपर में दिखाना है। ये सब गुड प्रेजेंटेशन के लिए ज़रूरी है।
आप अपने हस्ताक्षर फॉर्मेट के अनुसार एडजस्ट करें। जिसके हस्ताक्षर ज़्यादा बड़े हैं, खासकर उन्होंने फॉर्मेट के जगह के अनुसार अपने हस्ताक्षर निकाले। अब हम लेते हैं एक क्वेश्चन और लिखते हैं ईमेल। दोस्तों, एनुअल डे इवेंट इज सेलिब्रेटिंग इन यूर कॉलेज एंड यू हैव टू इन्वाइट चीफ गेस्ट, सो राइट एन ईमेल ऑफ इन्विटेशन फॉर एनुअल डे इवेंट। Mrs. Smita is writing email to Rohini Chopra, who is as a chief guest of a program. So, दोस्तों, आपको तो टू में चीफ गेस्ट का नाम या ईमेल एड्रेस लिखना है। यहाँ पे हम रोहिणी चोपड़ा, इनको हम ईमेल लिख रहे हैं, तो टू में हमें रोहिणी चोपड़ा ये लिखना है। सब्जेक्ट में आपको लिखना है इन्विटेशन फॉर एनुअल डे इवेंट। इससे स्पष्ट होता है कि ये ईमेल इन्विटेशन का है। बाद में सैल्यूटेशन, जैसे डियर मैडम, डियर सर, आपको लिखना है। आपको फर्स्ट पैरा में आपको ईमेल क्यों लिखना है ये बताना है। जैसे कि वी वुड लाइक टू टेल यू हाउ मच वी एडमायर योर वर्क ऑन स्क्रीन एंड हाउ मच वी अप्रिशिएट एज ए पर्सन ऑफ स्क्रीन। द रिकग्निशन एंड पॉपुलरिटी यू हैव रिसीव्ड इज वेरी वेल डिजर्व्ड। You are a youth icon in a true sense। दोस्तों, ये तो हो गया फर्स्ट पैराग्राफ, जिसमें हमने appreciate किया है और बताया है कि ईमेल क्यों लिख रहे हैं। आपके वर्क के अनुसार, आपके appreciation के अनुसार हम आपको invitation देना चाहते हैं, ये आपको सेकंड पैराग्राफ में क्लियर कट लिखना है। सो आपको फॉर्मली बताना है कि आप क्या चाहते हैं। जैसे वी देयरफॉर इनवाइट योर ग्रेसियस प्रेजेंस एज चीफ गेस्ट फॉर अवर एनुअल फंक्शन मेग 19 शेड्यूल्ड ऑन फ्राइडे डिसम्बर 20th ऑन आवर कॉलेज ग्राउंड। ये हो गया मिडिल पैराग्राफ, जिसमें आपने लिखा है कि आप ईमेल क्यों लिख रहे हैं, ये आपने क्लियर किया है। मिडिल पैराग्राफ में आपको क्लियर करना है कि आपका इंटेंशन क्या है। आप फॉर्मली बताइए कि आपको क्या चाहिए। ये हो गया मिडिल पैराग्राफ। लास्ट जो पैराग्राफ होता है, ये कंक्लूडिंग पैराग्राफ होता है। जैसे कि आई एम श्योर योर प्रेजेंस विल इंस्पायर आवर यंग स्टूडेंट्स, मेनी ऑफ हुम लुक फॉरवर्ड टू एक्टिंग एज अ करियर इन देयर फ्यूचर। प्लीज फाइंड अटैच द इन्विटेशन कार्ड, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर फेवरेबल रिप्लाई। दोस्तों, आपने ये ईमेल इनविटेशन के लिए लिखा था। बाद में जो इनविटेशन प्राप्त करने वाले होते हैं, वो आपको रिप्लाई भेजते हैं कि हाँ, मुझे आपका इनविटेशन अच्छा लगा, मैं आपके प्रोग्राम में उपस्थित रहूँगा। ये आपको ईमेल भेजकर रिप्लाई देते हैं। सो मैं आपको रिकैप में ले चलता हूँ। ईमेल जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इंटरव्यूज़ और बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यह आपको लेटर की जगह रिप्लेस हुआ है। सैल्यूटेशन देकर आपको फर्स्ट पैराग्राफ की शुरुआत करनी है, जिसमें आप ईमेल क्यों लिख रहे हैं ये स्पष्ट करना होगा। सेकंड पैराग्राफ में आपको मकसद या इंटेंशन क्लियर करना होगा। लास्ट पैराग्राफ कंक्लूडिंग पैराग्राफ है, वो वोट ऑफ थैंक्स, अपील, रिक्वेस्ट एट्सेट्रा पर कंक्लूडिंग देना होता है। जैसे आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू इफ़ यू सच एज। सो लास्ट में यू आर सिंसियरली ऐड करके आपको लिखना है लिखने वाले का नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, या कभी कभी आपकी पोस्टिंग भी ऐड करना ज़रूरी होता है, जैसे कि द प्रिंसिपल। आपको स्टार्टिंग में टू की जगह ईमेल एड्रेस लिखना है। अगर उनका ईमेल आपके कॉन्टैक्ट में सेव होता है, तो फर्स्ट और लास्ट नेम से ही दिखाई देगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है सब्जेक्ट, क्लियर कट होना चाहिए। और लास्ट में सब्जेक्ट के अनुसार ईमेल की लैंग्वेज बदल जाती है, उसी के साथ वो डिफरेंट भी हो जाता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगा ये कमेंट में बताइए, उसी के साथ दोस्तों को भी शेयर करें। अगर आपके पास कोई समस्याएं हैं तो वो जल्दी से कमेंट में लिखिए, लाइक दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल वाला बटन दबाएँ, ताकि आपको इस चैनल के लेटेस्ट अपडेट मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो।